अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 और अभी बस मैं निकलता हूँ। और हमारा ना टारगेट भी पूरा हो चुका है, कम से कम हमने कर दिया 11 लाख का टारगेट तो हमने कर ही दिया। वैसे हमारा था 10,75,000 का, हमने 11 लाख तो कर ही दिया आराम से। आज 1 तारीख है और हमें आज या कल या परसों से नया टारगेट मिल जाएगा, अब उसमें ध्यान देना है। और मेरी इस बार इंस्टीट्यूट भी आ जाएगी, चलो सही है टारगेट, वो भी हमको स्टॉक ने बचाया, सही समय में स्टॉक आ गया था उसने हमको बचा दिया, वरना स्टॉक नहीं आता ना हमारा टारगेट पूरा हो नहीं पाता। फिर तो हमारे एरिया मैनेजर कॉल आता, नीरज सर को कॉल करते, मान वो चंदन क्या कर रहे हैं, हम ये शेयर करके क्यों नहीं दे रहे, अच्छा स्टॉक आ गया। चलो भाई मैं तो पहुंच गया, जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ और देखते। चलो भाई पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। आज सुबह गत्ता वाला आया था और सारे गत्ते ले गया, बस पन्नी लेके नहीं गया। अब ये लेके चले जाता तो पन्नी भी इस ये गत्ते भी बेच देता, कम से कम 25 रुपये तो मिलते। अब यार इनको मैं कहाँ फेंक के आऊँ, अब मुझे लगा इसको नीचे फेंक के आऊँगा अभी। मुझे कभी कभी लगता है ना मैंने कुर्सी फालतू में लेके आ गया यार, क्योंकि ये कुर्सी बहुत जगह घेर ली है और इसको कभी हमको कभी पानी की बोतल अंदर लगानी होती है ना, पहले हमको कुर्सी बाहर करनी पड़ती है। अब क्या करूँ यार, अब मैं सोच रहा हूँ कुर्सी जहाँ से लाया ना, जिस क्रॉसवर्ड से साकेट मॉल से, वहीं लेके आ जाता हूँ वापस। चलो भाई सफाई तो मैंने कर दी और बुक सेल भी साफ कर दी, पानी की नई बोतल भी लगा दिया और बस। और जो अंदर जो कचड़ा है ना, गत्ते है, फालतू पन्नी है, अभी उसको मैं थोड़ी देर में नीचे फेंक के आऊँगा, क्योंकि अभी चाचा है नहीं, चाचा गए हैं बाहर चाय पीने, फिर उनके आने के बाद चाचा गए बैंक। हमको ना सोमवार में जितना भी कैश होता है वो उनको जमा करवाना पड़ता है, वो भी बैंक में जाके, यहीं भी है हुड्डा सिटी से थोड़ा आगे, और वो काम चाचा का बैंक में पैसे जमा करवाने का, इसलिए वो चाचा ही जाते हैं। और नीरज सर का ऑफ है और चाचा मैं को संभालना है स्टोर। आज सोमवार है, इतनी खास तो भीड़ तो होगी नहीं ना, इतनी खास सेल होगी हमारी। ये जितनी भी मांगा आई थी ना, अब ये बिकना तो स्टार्ट हो चुकी है, इसमें से कम से कम 10 या 12 बुक तो बिक चुकी है। और सही है यार ये मांगा आ गई, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी और मांगा आ जाए ना और अच्छी बात है, कम से कम बिक तो रही है। पेन भी हमारे पास ख़त्म हो गए, हमारे पास खाली 2 ब्रांड के पेन आते हैं, एक आता है पाकर, एक आता है क्रॉस, पाकर के सबसे ज़्यादा बिकते हैं हमारे पास। क्या हुआ आज तेरा स्टॉक आया क्या इतना सारा? हमारे स्टॉक में तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती थी भाई, तुम्हारा स्टॉक बड़ा छोटा है, हमारा तो इतनी बुक से आती थी। चार बज के 30 मिनट हो रहे हैं और अभी तक पता नहीं चाचा कहाँ गए हुए, या लंच का टाइम हो तो गया है, बस मैंने अभी तक लंच ही नहीं किया क्योंकि चाचा स्टोर रूम में बैठे हुए थे। इससे अब 4:30 हो चुके हैं, चाचा पता नहीं बाहर गए, अभी तक आए नहीं है। और यार मुझे लंच करना है, मुझे बहुत ऐसी भूख लगी है। लंच तो मैंने कर लिया और अभी बस मैं आराम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सीधा दोबारा 2 घंटे से मैं काउंटर में बैठा हुआ था और लंच मैंने लेट किया आज। और ब्लॉग आज 6 बजे आ जाएगा, कल तो 7 बजे ब्लॉग आया था क्योंकि कल यहाँ पे स्टोर के वाईफाई में प्रॉब्लम थी। अच्छा है भाई आज इसने अपने स्टोर का वाईफाई दे दिया, वरना ब्लॉग अपलोड हो ही नहीं पाता। अब पता नहीं चाचा कहाँ चले गए यार, पता नहीं नीरज सर नहीं आया ना इसलिए वो बाहर घूम रहे हैं। लोगों का नीरज सर को आन दो, फिर देखना चाचा बाहर नहीं घूमेंगे। अभी फिलहाल तो मैं बिलिंग ही कर रहा हूँ, कस्टमर भी आ तो रहे धीरे धीरे, और देखते हैं आज कितनी सेल होगी, बस मेरे सेल पे डिपेंड है आज। ये कब से रखे हुए हैं यहाँ पे? 2 बजे ना एक सर आए थे, उन्हें एक चाणक नीति बुक, एक पागल का पेन लिया हुआ था, उनने कहा था मैं ना थोड़ी देर में आके इनको ले जाऊँगा, वो अभी तक आए नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 6:42, अब इसको अपनी जगह लगा देता हूँ, अब जब भी आएगी उनको मैं दे दूँगा निकाल के। अब मैं निकलता हूँ, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे स्टोर ओपन करना है, इसे चाचा जाएगी कल सेलेक्ट सिटी मॉल, वहाँ पे क्रॉसवर्ड है, वहाँ जाएगी, पता नहीं वहाँ से टॉयस लाने, इसलिए वो चाचा जाएगी वहाँ। इसे नियर सर तो आ नहीं सकते सुबह, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा, इसलिए मैं मुझे जिम भी जाना है सुबह,
इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से, अब जल्दी अपने घर पहुँचूँ कैसे करके। अभी टाइम हो रहा है 9:37, और बस मेट्रो मुझे लग रहा है 10 बजे की मेट्रो है, और बस जल्दी मेट्रो पहुँचा दे यार मुझे।